संजू नाम का एक आदमी अपने बेटे पप्पू और अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। संजू की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो कड़ी मेहनत के बाद भी ज्यादा पैसे बचा नहीं पाता था और एक किराए के घर में रहता था। एक रात वो सुषमा के साथ लेटा होता है, तभी सुषमा बोलती है, अजी मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम अपना घर शहर के बाहर ले लें। वैसे भी आपका सारा काम तो शहर के बाहर ही होता है, आपको आने जाने में समय भी बचेगा और हमारे काफी पैसे भी बच जाएंगे। संजू को सुषमा की बात जच जाती है और वो सुषमा से बोलता है, तुम ठीक कह रही हो सुषमा, वैसे भी मैं चाह कर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा। मेरे भोले पतिदेव, तुम तो ऐसे पछता रहे हो जैसे मैंने ताजमहल मांग लिए हैं और तुम उसे खरीद नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, एक न एक दिन कमाई भी होने लगेगी। फिर संजू और सुषमा शहर के बाहर बने एक मकान को किराए पर ले लेते हैं। एक रात पप्पू कमरे में खेल रहा होता है, तभी उसे फर्श में किसी औरत का चेहरा दिखता है जो उसे ही घूरे जा रही होती है। पप्पू चिल्लाते हुए सुषमा को बुलाता है, माँ माँ इधर आओ, जल्दी देखो फर्श में क्या है, फर्श में कोई औरत है। पप्पू की चीख सुनकर सुषमा वहाँ आ जाती है और पूरे कमरे में देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। क्या है पप्पू बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम भी ना, पापा आने वाले हैं, मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ, चुपचाप खेलो। फिर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा के जाते ही पप्पू को फर्श में फिर उसी औरत का चेहरा दिखता है जो धीरे धीरे चुड़ैल के जैसा दिखने लगता है। पप्पू वहाँ से भागकर सीधा किचन में चला जाता है, लेकिन सुषमा के डर के मारे उसे कुछ नहीं बताता। शाम को जब संजू घर पर आता है, पप्पू उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर संजू हंसते हुए बोलता है, तभी बोलता हूँ बेटा, ज्यादा फिल्में मत देखा कर, दिमाग पर बुरा असर होता है। चलो अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसी रात जब पप्पू अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे फर्श में से नाखून खुरचने की आवाजें आती है। आवाज सुनकर पप्पू उठ जाता है और अपने बेड से नीचे झांकता है। वहां उसे फिर उसी चुड़ैल का चेहरा दिखता है। चुड़ैल जोर जोर से फर्श को खुरच रही होती है। ये देख कर पप्पू चिल्लाने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पप्पू की आवाजें सुनकर संजू और सुषमा भागते हुए पप्पू के कमरे में आते हैं। सुषमा पप्पू के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ पप्पू बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चीखे। पप्पू सुषमा से लिपट जाता है और बोलता है, मा, 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 मैंने फिर से उसी डरावनी औरत को देखा, वो इस कमरे के फर्श को जोर जोर से खरोच रही थी, वो इस फर्श के पीछे। पप्पू की बात सुनकर संजू बोलता है, अरे बेटा तुमने कोई सपना देखा है, तभी कहता हूँ ज्यादा भूतिया कहानियाँ मत देखा करो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ऐसा करो तुम हमारे कमरे में चलो और सो जाओ। ऐसा कहकर संजू अपने कमरे में चला जाता है और पप्पू और सुषमा भी कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन चुड़ैल पप्पू के कमरे से पप्पू को घूरती रहती है। अगले दिन सुबह पप्पू के मामा चंदू भी वहाँ आते हैं और सुषमा पप्पू के साथ हो रही बातों के बारे में उन्हें बताती है, जिसे सुनकर चंदू हंसने लगता है और सुषमा से बोलता है, तुम भी ना बहना, अरे बच्चा है, शहर से दूर इतने अकेले से मकान में आ गया है, डर गया होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ दिन यही हूँ, मैं देखता हूँ मेरे भांजे को क्या दिक्कत है। उसी रात चंदू और पप्पू पप्पू के कमरे में सो रहे होते हैं, तभी वही फर्श वाली चुड़ैल फर्श से निकलती है और पप्पू के सिर पर हाथ फेरने लगती है। पप्पू हाथ फेरने की वजह से उठ जाता है और चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाता है, मामा उठो देखो चुड़ैल, मामा मामा। पप्पू की चीख सुनकर चंदू भी उठ जाता है, लेकिन तब तक चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ भांजे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, कहाँ है चुड़ैल बेटा, बता कहाँ है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं मामा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी चुड़ैल को देखा, वो मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और मुझे ही देख रही थी। तब तक सुषमा और संजू भी वहाँ आ जाते हैं। पप्पू को रोता देख सुषमा बोलती है, संजू देखो मुझे लगता है इस जगह में कोई गड़बड़ है, हमें ये मकान छोड़ देना चाहिए, जब से हम यहाँ आए हैं पप्पू को कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है।
सुषमा की बात सुनकर संजू बोलता है, सुषमा अभी अभी तो हम यहाँ आए हैं, अभी तो हमें कुछ दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी मकान बदलना आसान है क्या? तुम सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी चंदू बोलता है, जीजा जी ठीक कह रहे हैं, इतनी जल्दी मकान थोड़ी ना बदले जाते हैं, आप चिंता ना करो और सो जाओ, मैं सुबह देखता हूँ और पता करता हूँ ये सब क्या हो रहा है। फिर चंदू के समझाने पर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन चंदू पप्पू को लेकर एक साधु बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें पप्पू के साथ हो रही सारी बात बताता है, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, बेटा मुझे तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर तक चलना होगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या मामला है और ये कौन औरत है जो पप्पू बेटी को परेशान कर रही है। फिर साधु बाबा उन दोनों के साथ घर की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पैर रखते हैं बोलते हैं, बेटा इस घर पर तो चुड़ैल का साया है और तुम सबकी जान खतरे में है। तब तक संजू और सुषमा भी वहां आ जाते हैं। संजू बाबा से बोलता है, आप भी ना बाबा, क्या अंधविश्वासों वाली बातें करते हैं है? आप चले जाओ, चुड़ैल का साया। हंसो मत बेटा, तुम्हारे परिवार की जान सचमुच खतरे में है, इस मकान को अभी छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। बाबा आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, हम अपने आप देख लेंगे हमें क्या करना है। इस बार संजू को गुस्सा आता है और वो बाबा को बोलता है। संजू को गुस्से में देख चंदू बाबा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं, चुड़ैल फिर से पप्पू और चंदू के कमरे में आती है और पप्पू के पास बैठ जाती है। तभी चंदू की नजर उस पर पड़ती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इस बार चुड़ैल गायब नहीं होती और बोलती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ आए हो और मुझे परेशान कर रहे हो। उनकी बात सुनकर संजू और सुषमा भी वहां आ जाते हैं और चुड़ैल को देख कर घबरा जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है, बचाओ। ऐसा कहकर सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम सब लोग अब मेरे कब्जे में हो और यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, मैं तुम सबको मार दूंगी। सबसे पहले मैं मारूंगी इस बच्चे को। ऐसा कहकर चुड़ैल पप्पू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। पप्पू रोने लगता है और बोलता है, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ ये मार डालेगी मुझे, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। पप्पू का रोना सुनकर सुषमा चुड़ैल के पास जाती है। छोड़ दो मेरे बेटे को, इसे मत मारो, हम ये घर और शहर दोनों छोड़ देंगे, मत मारो मेरे बेटे को। सबको मारूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी वहाँ वही साधु बाबा आ जाते हैं। साधु को देखकर चुड़ैल बोलती है, तू अंदर कैसे आया बुड्ढा, और मेरा जादू कैसे तोड़ दिया तूने, इस घर से ना तो कोई जा सकता है और ना कोई आ सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तू एक चुड़ैल है जान लेने वाली और मैं हूँ एक साधु जान बचाने वाला, मेरी ताकत तेरे जादू से हमेशा ज्यादा ही रहेगी। ऐसा कहकर बाबा भभूत चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। भभूत छिड़कते ही चुड़ैल के हाथ जिसने उसने पप्पू को पकड़ा होता है गिर जाते हैं। ये क्या कर दिया तूने, मेरे हाथ ये कैसे काट दिया तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी बाबा अपने पास से गणेश भगवान की मूर्ति निकालते हैं और चुड़ैल के आगे कर देते हैं। मूर्ति में से जोर जोर से रोशनी निकलने लगती है और चुड़ैल पर पड़ने लगती है। ओह मर गई रे, ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर पूरा जल रहा है, कोई बचाओ मुझे। आ थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। संजू बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा बाबा मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी आपने हमारी जान बचाई, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। बेटा ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम इस घर को खाली कर दो, इस घर के नीचे कब्रिस्तान है, कहीं कल फिर कोई दूसरी चुड़ैल वापस ना आ जाए। जी बाबा, हम इस जगह और मकान को जितना जल्दी हो सकेगा छोड़ देंगे।